हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि राज की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, तो या तो राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत आ जाए, या सामाजिक समझौता सिद्धांत आ जाए, या तो फिर आपका देवीय सिद्धांत आ जाए, ये तीनों में आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, तो आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है, बिल्कुल मैं आपको कहानी की तरह बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक के साथ ही बताऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो बहुत सारे सेमेस्टर की बहुत सारे ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो सेमेस्टर टू में पढ़ रहे हैं जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, या तो फिर IRC पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब हम इसमें बात कर रहे हैं डायरेक्ट आंसर की। ठीक है, बोला है राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो राज, राज का मतलब क्या होता है, ये जो झारखंड और बिहार है वो राज नहीं, राज का मतलब होता है देश। पॉलिटिकल साइंस में मैं बार बार बताता हूँ कि राज का मतलब होता है देश। अब राज मतलब क्या, जैसे भारत, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब को हम लोग राज्य बोलेंगे। तो आखिर राज्य की उत्पत्ति हुआ कैसे, आखिर इस देश दुनिया में ये सब राज्य आया कहाँ से, कैसे हम लोग जाने कि ये हमारा राज्य है, वो उसका राज्य है, आखिर ये राज्य वाला सिस्टम आया कहाँ से। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से बताया, किसी ने कहा कि शक्ति के आधार पर राज्य आया, तो किसी ने अलग अलग तरीके से बताया, तो वो हम सभी चीज़ों को आपको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो देखो, विद्वानों के लिए राज्यों की उत्पत्ति सदैव ही जिज्ञासा का विषय रही है। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ है हम जानें, हमारे अंदर ये चीज़ों का नॉलेज हो कि राज्य की उत्पत्ति हुआ कैसे। इसी प्रकार से विद्वानों के लिए भी ये जिज्ञासा बना हुआ था कि राज्य की उत्पत्ति आखिर हुआ कैसे है। ठीक है, राज की उत्पत्ति के विषय में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। अभी तक राज का उत्पत्ति कैसे हुआ है, यानी कि देशों की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका कोई साक्ष्य प्रमाण या तो फिर ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, जिससे यह ज्ञात होता कि यह राज की उत्पत्ति निश्चित रूप से कब और कैसे हुआ है। मतलब इनका कोई भी अभी तक प्रमाणित और यह ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि आखिर राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में विचारकों ने कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखो, अभी तक ना तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिला है इसका, ना तो कोई साक्ष्य मिला, लेकिन फिर भी इसको अनुभव के माध्यम से, अपने कल्पना के माध्यम से अलग अलग विचारकों ने इसका अलग अलग तर्क प्रस्तुत किया, इसका अलग अलग सिद्धांत दिया है। क्योंकि देखो, क्या कोई भी विचारक इसका 100% सही बोल सकता है कि राज का उत्पत्ति कैसे हुआ, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। हाँ, तो प्रमाण नहीं मिला तो एक कल्पना के माध्यम से, अपने एक विचार के माध्यम से अलग अलग विचारकों ने एक अलग अलग प्रकार का सिद्धांत दिया है। तो कौन कौन सा सिद्धांत दिया, देखो यहाँ पे राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। पहला दिया है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, तीसरा है शक्ति का सिद्धांत, चौथा है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, या तो इसको बोलते हैं पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, और पांचवा है विकासवादी सिद्धांत। ये अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से राय दिया है। किसी ने कहा कि जो राज का उत्पत्ति हुआ है ना, उत्पत्ति मतलब जन्म, कि राज आया कहाँ से, तो किसी ने कहा ये देवीय के कारण आया, देवीय सिद्धांत के कारण आया। कोई विचारकों ने कहा कि सामाजिक समझौता के कारण आया है, तो कोई ने बताया शक्ति के आधार पर, तो कोई ने बताया कि मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक के माध्यम से आया, तो कोई ने कहा कि विकासवादी सिद्धांत के माध्यम से आया। अब हम अलग अलग प्रकार से हम एक एक करके पढ़ेंगे आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर जानकारी दे दूँ सभी को याद करने का ट्रिक, तो आपको बहुत ही अच्छा सा समझ में आ जाएगा। देखो, देवीय, देवीय का मतलब कि राजा, राजा को ही बताया गया देवीय। ठीक है, तो कोई विचारकों ने ये कहा कि जो राजा है ना, उसी के माध्यम से हमारा राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आधा हो गया आपको। दूसरा, सामाजिक समझौता। तो किसी ने ये कहा कि जो राज्य को उत्पत्ति हुआ है ना, वो एक सामाजिक समझौता के माध्यम से हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो पहले जंगलों झाड़ियों में जिया करते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे, वो लोग प्राकृतिक अवस्था में जीते थे, लेकिन जब उन लोगों का ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, समझौता हुआ, तो वो लोग धीरे धीरे गाँव में, शहरों में बसने लगे, तो वहाँ पे उन लोगों के सामाजिक समझौता हो गया,
पहले वो लोग प्राकृतिक अवस्था में जीते थे, बट अब सामाजिक समझौता हो गया उन लोगों में, समाज में रहने लगे, ठीक है, तो उसकी वजह से राज्य का निर्माण हुआ है। तो किसी ने कहा नहीं, शक्ति के माध्यम से, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होता था वो गरीब यानी कि कमज़ोर को अपना शासित बनाते थे, कमज़ोर लोगों को अपने गुलाम बना लेते थे और उन पर वो शासन करते थे, और धीरे धीरे इसी प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ है। तो किसी ने कहा नहीं, मातृ सत्तात्मक के माध्यम से हुआ, मातृ सत्तात्मक मीन्स माता के आधार पर हुआ है, माता मतलब माता ने बच्चों को जन्म देती थी और ये प्रक्रिया धीरे धीरे बड़े लेवल पर बढ़ते गया, समाज बढ़ा, समाज से हमारा धीरे धीरे परिवार बनते गया, यानी परिवार से समाज, फिर समाज से धीरे धीरे हमारा क्या बन गया, राज्य बन गया, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है, ठीक है। तो कोई कहता नहीं, पितृ सत्तात्मक माध्यम है, यानी कि पिता के माध्यम से हमारा क्या हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है। तो कोई ने कहा कि विकासवादी सिद्धांत के माध्यम से हुआ, मतलब राज्य को कोई भी निर्माण नहीं किया, बल्कि ये धीरे धीरे अपने आप समाज में धीरे धीरे विकास होते गया है। तो अलग अलग प्रकार से सभी ने बताया, तो चलो हम एक एक करके सारा अपना डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कमी रह गया जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ज़्यादा आपको समझने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बस मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, आपको आसान तरीका से समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला, राज की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, देवीय मतलब राजा का सिद्धांत, ठीक है। राज की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन और एक काल्पनिक सिद्धांत, यानी कि काल्पनिक सिद्धांत है, ठीक है। मतलब यह जो राज की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा पुराना सिद्धांत है और यह काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक मतलब ये जो कल्पना करने वाला चीज़ है, इसका कोई साक्ष्य प्रमाण या प्रूफ नहीं है, बस इसको कल्पना किया गया, ठीक है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि राजा ईश्वर की रचना है, मतलब इसमें यह कहा गया कि ईश्वर ने ही किसका रचना मीन्स बनाना है, ठीक है। तो ईश्वर ने राजा को बनाया है, इसमें बताया गया कि राजा को कौन बनाया है, ईश्वर यानी कि भगवान ने बनाया, ठीक है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब जो ये राजा है ना वो किसका प्रतिनिधि करता है, ईश्वर की, इस पृथ्वी पर, मतलब राजा को ईश्वर से जोड़ा गया, ठीक है। राजा के माध्यम से ईश्वर पृथ्वी पर शासन करता है, मतलब ये कहा गया कि जो भगवान पूरा ये पृथ्वी पर जो शासन कर रहा है ना, भगवान जो देखभाल कर रहा है ना, वो राजा के माध्यम से ही कर रहा है। सोच लो कितना बड़ा बात बताई है, ठीक है, ठीक है, कि राजा अपनी शक्ति, और उसके बाद क्या बताया कि जो राजा है ना वो अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है, मतलब राजा को शक्ति कहाँ से मिलता है, ईश्वर से मिलता है, ईश्वर ही उसे राजा को शक्ति देता है, ठीक है, और ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। और राजा क्या करता है, किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, ईश्वर के प्रति, यानी ईश्वर जैसा कहता है वैसा राजा क्या करता है, मानता है, ठीक है, ऐसा बताया गया। अब आगे भी देखते हैं इसके राजा के बारे में क्या क्या बताया गया। तो भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में भी देवी सिद्धांत का संकेत मिलता है। देखो, जो भारत का एक महाभारत है उसमें भी आपको देवी सिद्धांत का वर्णन कुछ कुछ भागों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुस्मृति में कहा गया कि इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण जब लोग इधर उधर भाग रहे थे तब प्रभु ने राजा का सृजन किया। देखो क्या कहा गया है कि मनुस्मृति में भी इसके बारे में चर्चा किया गया है कि जब अराजकता फैल गया ना तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने क्या किया, राजा को अवतार कर दिया, राजा को बना दिया, ठीक है, राजा को इस दुनिया में लाया ताकि इधर उधर जो लोग भटक रहे हैं वो भटके नहीं, उसको रोक के रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राजा को सूर्यपुत्र और नेपाल में विष्णु का अवतार कहा जाता है। मतलब देखो, भारत में राजा को क्या कहा जाता है, सूर्य का पुत्र कहा जाता है, और नेपाल में क्या कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। सोचो, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि राजा को ही सिर्फ महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजा के माध्यम से ही राज्य का निर्माण हुआ है। तो कुछ विचारकों ने कहा कि नहीं, राजाओं के माध्यम से बिल्कुल नहीं हुआ है, राजाओं यानी कि देवीय सिद्धांत, राजा किसको बोला गया, देवीय सिद्धांत को, ठीक है, यानी कि कुछ विचारकों का कहना है कि नहीं, देवीय सिद्धांत के अनुसार से हुआ ही नहीं इसका विकास, इसका यानी कि उत्पत्ति, ठीक है। तो कैसे हुआ है, तो कुछ का कहना है कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत पर हुआ है। अब देखते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जो राज्य की, ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना, वह क्या है, एक राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, चलो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार राज ईश्वरीय संस्था ना होकर के मानवीय संस्था है, मतलब इसमें ईश्वरीय संस्था को वैल्यू नहीं दिया गया। ये जो राजा वाला सिस्टम था ना, इसके पहले जो पॉइंट नंबर वन में पढ़ा है उसमें इसका वैल्यू नहीं दिया गया, इसमें किसको वैल्यू दिया गया, मानवीय संस्था को,
यानी मानव को दिया गया कि मानव के वजह से ही राज्य का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौता द्वारा किया है। इसमें बताया गया कि जो राज्य का निर्माण हुआ ना वो व्यक्ति के अंतर्गत हुआ, व्यक्तियों ने किया, व्यक्ति ने आपस में एक परस्पर समझौता बनाया, मिलजुल कर उन लोगों ने रहना सीखा और धीरे धीरे उससे परिवार बढ़ा, परिवार से धीरे धीरे समाज बना, समाज से राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, समझौते होने से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था। देखो यहाँ पे इसमें ये पॉइंट में बताया गया कि जब मतलब क्या हुआ था, जब समाज का निर्माण नहीं हुआ था, राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, इससे पहले मानव कहाँ रहता था, प्राकृतिक जंगल झाड़ियों में रहता था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में रहता था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन की प्राकृतिक अवस्था में ना कोई राजा था और ना ही कोई सरकार था। और जब व्यक्ति प्राकृतिक जीवन जीते थे, प्राकृतिक अवस्था में जब जीते थे ना, उस टाइम ना कोई सरकार था ना कोई राजा था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राजा के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुआ है? बिल्कुल ये गलत है। ऐसा किसका कहना है? इनका कहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक अवस्था में लोग जीते थे उस टाइम ना कोई राज था ना कोई सरकार था, ठीक है, ना कोई राजा था। तो यहाँ पे आखिर हुआ कैसे राज्य का निर्माण? तो राज्य का निर्माण हुआ व्यक्तियों से, व्यक्ति ने परस्पर संबंध बनाया, जंगल झाड़ियों में रहते थे तो गांव देहात में आया, धीरे धीरे बढ़ने लगा और इससे राज्य का निर्माण हो गया। आगे देखो, लेकिन किन्हीं कठिनाइयों के कारण मानव ने सामाजिक जीवन में प्रवेश करने पर आपस में यह समझौता किया वे सभी आपस में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। इस मतलब देखो इसमें क्या बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखो जब लोग क्या करते थे, प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, ठीक है, तो उनके साथ कुछ घटना हुआ होगा, उन लोगों को खाने पीने में, बरसात में थोड़ा बहुत हो सकता है रहने में दिक्कत हुआ होगा, तो कुछ ऐसा उन लोगों के साथ विपत्ति आई जिसकी वजह से उन लोग धीरे धीरे क्या करने लगा, प्राकृतिक अवस्था से उन लोग धीरे धीरे किधर रहने लगे, आपस में एक समझौता बनाया और शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए उन लोगों ने एक साथ एकता बनाया और धीरे धीरे उन लोगों ने गांव देहात में रहना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और इससे हमारा राज्य का निर्माण हुआ है, कुछ विचारकों का ऐसा कहना है। तो कुछ विचारकों का कहना है कि ना तो देवीय सिद्धांत के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है, ना तो सामाजिक समझौता के आधार पर हुआ है। तो कुछ का क्या कहना है, तो कुछ लोगों का यानी कि कुछ विचारकों का कहना है कि शक्ति के आधार पर हुआ है, यानी कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो शक्ति के आधार पर हुआ है। कैसे, चलो देखते हैं। शक्ति के सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि राज्य की जो शक्ति आसक्ति के बल पर विकसित हुआ, यानी कि जो राज्य का निर्माण हुआ वो शक्ति के माध्यम से हुआ। कैसे? क्योंकि शक्तिशाली समूहों ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया, तब राज्य की उत्पत्ति हुआ। देखो कुछ विचारकों का कहना है ना कि जो शक्तिशाली समूह था ना, यानी कि जो ताकतवर समूह वाले लोग थे ना, वो कमजोर समूह वाले लोगों पर अपना क्या कर लिया, शासन कर लिया और उसको अपना गुलाम बना लिया, और इस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ है, कुछ लोगों का ये कहना है। ठीक है, मान लो कि हम ताकतवर हैं, हम लोग पांच लोग हैं, ठीक है, और चार लोगों का भी एक समूह जो कमजोर है, तो उसको चारों का हम आप लोग में अपने में मिला लिए, तो पांच चार चार नौ हो गए। अब नौ हो गए तो हमारा इससे क्या बन गया, राज बन गया। ठीक है, आगे तो क्या बताया गया, शक्ति के सिद्धांत के अनुसार मानव विकास के प्रारंभ में कुछ शक्तिशाली मनुष्यों ने निर्बल मनुष्यों को आपस में अपने अधीन कर लिया। मतलब क्या हुआ था कि प्राचीन समय में यानी कि शुरुआत में शक्तिशाली जो व्यक्ति था वो कमजोर व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, शक्तिशाली समूह का नेता पराजित समूह का भी नेता हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो शक्तिशाली का नेता था, मान लो कि पांच व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्ति का जो शक्तिशाली का एक नेता होगा, और जो चार व्यक्ति जो कमजोर हैं उनको भी अपने में कर लिया, और जो वो चार व्यक्ति का नेता था उसको भी अपने में शामिल कर लिया, और सिर्फ एक नेता रह गया, कौन, शक्तिशाली का नेता। तो शक्तिशाली वाले नेता तो अपने के लिए नेता थे ही थे, प्लस में कमजोर वाले लोगों के लिए भी खुद नेता बन गया, और इस प्रकार से हमारा राज्य का निर्माण हुआ। धीरे धीरे वही नेता ही समूहों का भी शासक हो गया, है ना, इसी कर्म में से साम्राज्य उत्पन्न हुआ, इसी वजह से हमारा राज्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार से अनेक विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति का शक्ति माना, और इस प्रकार से अनेक विचारकों ने कहा कि जो राज्य की उत्पत्ति हुआ है ना वो शक्ति के माध्यम से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का, उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायी पर अधिक, मतलब देखो क्या बोला गया कि राज्य का निर्माण उस टाइम हुआ होगा ना जब शक्तिशाली व्यक्ति एक कमजोर जो वर्ग के लोग होते हैं उनको अपने शासन में कर लिया होगा और उनको अपना गुलाम बना लिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ होगा, राज्य का निर्माण हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बहुत प्राचीन है। अब ये जो शक्ति का सिद्धांत है ना, इसको आप ये नया मत मानना, ये बहुत ही प्राचीन यानी बहुत ही पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि प्राचीन
भारत ग्रंथों में भी शक्ति के आधार पर राज्यों की स्थापना की बात कहा गया। देखो जो प्राचीन भारत का ग्रंथ है ना, प्राचीन भारत का जो ग्रंथ है उसमें भी शक्ति के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है कि शक्ति के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है, सोचो। ठीक है, अब देखो कुछ व्यक्तियों का ये भी कहना है, कुछ विचारकों का ये भी कहना है कि ना तो पहला पॉइंट के आधार पर हुआ है राज्य का निर्माण, ना तो दूसरा पॉइंट का, ना तीसरा पॉइंट पर, बल्कि ये चौथा पॉइंट के अनुसार से राज्य का निर्माण हुआ है। देखो सब अलग अलग तरीका से बोल रहे हैं। किन्हीं का कहना है कि मात्र सतात्मक और पितृसतात्मक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। मात्र सतात्मक मीन्स हो गया माता के आधार पर, और पितृसतात्मक मीन्स हो गया पिता के आधार पर। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो माता ने धीरे धीरे क्या किया, बच्चों को जन्म दिए होंगे, फिर बच्चा धीरे धीरे बढ़ा, फिर एक परिवार के रूप में हुआ, परिवार के रूप में हुआ तो धीरे धीरे राज्य का निर्माण हो गया। पिता ने घर चलाया, धीरे धीरे सब एकता हो गया, इसके माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ गया। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को समाज का प्राथमिक इकाई माना गया। देखो बताया गया कि जो समाज का इकाई है ना, जिसकी वजह से राज्य निर्माण हुआ, मात्र और मात्र एक चीज़ है, मात्र सत्तात्मक। कैसे, आगे देखते हैं। देखो शुरुआती परिवार मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि जब पहले जब देश दुनिया मतलब कोई देश वगैरह नहीं थे, बस एक लोग खाते थे, रहते थे, अपना जीवन जैसे तैसे जीते थे, उस टाइम शुरुआती दौर में जो परिवार था ना वो मात्र सत्तात्मक थे। मात्र सत्तात्मक मीन्स माता को उचित माना जाता था, घर का मुखिया माता हुआ करता था, यानी माँ हुआ करती थी। ठीक है, तब अस्थायी विवाह प्रथा नहीं था, उस टाइम जो शादी का सिस्टम था ना वो नहीं था, विवाह प्रथा नहीं हुआ करता था। लेकिन आकस्मिक अचानक क्या होता है, अचानक रूप से क्या होता है, स्त्री पुरुषों में पशुओं की भांति यौन संपर्क हो जाता था। मतलब क्या होता था, जिस प्रकार से एक पशु हम लोग देखते हैं कि एक अलग पशु से अलग पशुओं में क्या हो जाता है, यौन संबंध होता है। ठीक है, उसी प्रकार से पहले क्या हुआ करता था, स्त्री और पुरुष में अचानक क्या हुआ हो गया था, पशुओं की भांति एक यौन संबंध संपर्क हो जाता था। और इससे हमारा क्या होता था, स्त्रियों से क्या हो जाता था, बच्चा पैदा हुआ हो जाता था। और उस बच्चों का देखभाल कौन करती थी, उनकी माँ करती थी। और धीरे धीरे इस प्रकार से परिवार क्या होता गया, बढ़ता गया, इनका पालन पोषण भी बढ़ता गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे परिवार बढ़ा, परिवार से समाज बढ़ा, फिर समाज से क्या हो गया, एक राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, देखो आखिर राज्य का निर्माण कैसे कैसे विचारकों ने बोला है कि राज्य का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, हालांकि क्या हुआ, इसका कोई एक साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है कि आखिर इसी प्रकार से हुआ। ठीक है, बट इसका अलग अलग विचारकों ने एक अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आगे देखो, इस प्रकार रक्त संबंध परिवार का आधार बना, और इस प्रकार से क्या बना, रक्त संबंध परिवार का एक आधार बना, और परिवार की मुखिया कौन हुआ करता था, स्त्री हुआ करती थी। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते ये जन समूह काबिले के रूप में असंगठित हुए, और इन्हीं कारण राज्य उत्पत्ति का मुख्य कारण मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को बताया गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जन समूह काबिलों के रूप में बढ़ते गया, एक बड़े समूह के रूप में बढ़ते गया, और इससे हमारा क्या हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए मात्र सत्तात्मक को हम राज्य का निर्माण में एक उचित स्थान दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर आप देखते हैं पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता के बारे में क्या कहा गया। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण कुल है, जिसका मुखिया पिता होता है, कुलों से काबिला, काबिलों से राज्य का विकास हुआ है। मतलब देखो इसने क्या बोला, बताया गया, इसमें बताया गया कि सबसे पहले क्या हुआ कि बच्चे आने के एक साथ मिले तो कुलों बना, कुलों से काबिलों बना, काबिलों से राज्य बना, मतलब एक छोटा से बड़ा, बड़ा से फिर बड़ा बना, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, छोटा परिवार से बड़ा परिवार, फिर बड़ा परिवार से एक राज्य के रूप में बन गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो मैं रात के टाइम में बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नींद भी आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा बात मेरे लड़खड़ा भी रहा है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो पांचवा में क्या बताया गया, विकासवादी सिद्धांत। इसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार से राज्य का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि राज्य अपने आप विकास होते गया, समय बढ़ता गया, राज्य विकास होते गया। देखो एक सिस्टमैटिक तरीका से दिया गया इसमें। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो देवी सिद्धांत के कारण हुई, और ना ही यह मनुष्यों द्वारा जानबूझ करके बनाया गया। मतलब किसी की भी माध्यम से राज्य का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उनके प्राकृतिक अवस्था के कर्म आधारित है। मतलब प्राकृतिक अवस्था के कारण हुआ, मतलब ये भगवान का दिया हुआ चीज है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समाज विकसित हुआ होते गया, मतलब जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, देश दुनिया बढ़ते गया, वैसे वैसे ही लोगों के हितों में भी वृद्धि होती गई। मतलब लोगों के अंदर अपना हित, अपना जैसा लालचीपन होता ना, लोगों का हित भी बढ़ते गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसी प्रकार से इसके कारण क्या हुआ, लोगों के विभिन्न वर्गों के अलग अलग अधिकार भी प्राप्त होते गए, और लोगों का जो डिमांड आते गया तो लोगों का अपना अपना अधिकार भी प्राप्त होते गया। ठीक है, और इसी कर्मानुसार आगे चलते गया, और इससे हमारा राजनीतिक संगठन बना।
राजनीतिक दल बना, जैसे राजनीतिक दल बनता वैसे अलग अलग राजनीतिक संगठन बना और इसी से अलग अलग राज्य का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कॉमेंट